हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्गोरिथम में मैंने स्टार्ट कर रखी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चल रही है एंड मैं आज स्टार्ट करूँ डेटा स्ट्रक्चर पे। सर, आप मुझे ये बताइए कि आप एक साथ कितने सारे लेक्चर्स को बनाइएगा, कितने सारे पेजेस को चलाइएगा। तो मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली हमारा एम क्या था। फर्स्ट लेक्चर से मेरा याद कीजिए, मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि आप खुद कोड कर पाएँ। और कोडिंग इसका मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ को जाने, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे एल्गोरिथम हो, चाहे वो कोई क्वेश्चंस को प्रॉब्लम के सॉल्व करना हो, हर एक चीज़ में कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, एंड वही कोडिंग लिखने का प्रैक्टिस ना चाहे किसी भी फील्ड में कीजिए, चाहे DSA के फील्ड में कीजिए, डेटा स्ट्रक्चर के फील्ड में कीजिए, चाहे एल्गोरिथम्स के फील्ड में कीजिए, चाहे जिस भी फील्ड में कीजिए, आपको कोड लिखने की अल्टीमेटली प्रैक्टिस अपने अंदर बिल्ड करना है। यहाँ तक क्लियर? अब मैं डेटा स्ट्रक्चर, आई थिंक मेरे हिसाब से जैसा मैं सोच रहा हूँ अभी तक, मैं डेटा स्ट्रक्चर में ही अभी थोड़ा वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, या मैं कुछ भी हो सकता है, कभी मैं CPP भी डाल सकता हूँ, एल्गोरिथम भी डाल सकता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर भी डाल सकता हूँ। कुल मिला के आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम ये होना चाहिए कि मैं DSA और एल्गोरिथम और तीनों प्लेलिस्ट को साथ लेके चलूँ। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखिएगा, एल्गोरिथम पे अभी तक मैंने सिर्फ 2 वीडियो डाले, और मैं वीडियो इस तरह डाल रहा हूँ ना कि आप CP को रिगार्डिंग आप सीख पाएँ। ठीक है, अब DSA में मैं ऐसा नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स या मैं जो पढ़ाता हूँ वो इस कदर पढ़ा रहा हूँ ना कि आप ये मत सोचिए ना कि आपको प्रॉपर पूरा एकदम एक एक लाइन बाय लाइन पूरी कोर्स, पूरी हर एक चीज़ आपको पूरी दुनिया दे रही है, सारे यूट्यूबर, सारे वेबसाइट आपको एक एक डिटेल दे रहे हैं, बट क्या फिर भी कोड लिखना सीख पाएँ? मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं ना। बिकॉज कोड लिखवाना पड़ता है, कोड लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जो कि मैं यहाँ करवा रहा हूँ आप लोगों से, जो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोड लिखना सीखिए, कोड अपने हाथों से लिखिए, अल्टीमेटली आप समझ जाइएगा। एंड बहुत बार ऐसा होता है, वेबसाइट देखते हैं, दूसरे यूट्यूब के लेक्चर्स देखते हैं, तो यार फिर भी डाउट रह जाता है, क्योंकि मुझे भी रहता था, क्योंकि मैंने भी तो सीखा है वेबसाइट से, अल्टीमेटली मैंने तो कहीं बचपन से सीखा नहीं, मैंने वहीं सब जगह सीखा है, तो कहीं ना कहीं फ्लॉज रह जाते हैं। और मैं इस सीरीज़ को इस तरह बनाता हूँ, मैं अपने सारे लेक्चर, सारे वीडियो इस तरह बनाता हूँ कि आपको डाउट ना आए। आप कोड लिखिए अपने हाथों से। अब पॉइंटर्स देख लीजिए, अब पॉइंटर्स, रिकर्सन, ये सब नाम सुनते के साथ ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या यार क्या आ गया, डर लग जाता है। मैं तो पॉइंटर के नाम से सीरीज़ खोलता नहीं था कि पता है मेरे से होना नहीं है, बट पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। ठीक है, लेट सपोज देर इज़ ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक एक्स, जिसके अंदर क्या स्टोर है, 20। तो डायग्रामेटिकली समझते हैं, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि अगर आप चीज़ों को जितना विजुअलाइज करके समझिएगा ना, मैं PPT में आपको बना के क्यों पढ़ाता हूँ, मैं पेन और कॉपी से ही पढ़ा सकता था, बट विजुअलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, आपको चीज़ें दिखने लगती है, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब पॉइंटर ले लो, लिंक्ड लिस्ट ले लो, स्टैक ले लो, क्यू ले लो, मतलब इस सबका नाम सुनते के साथ ट्री ग्राफ आ गया तो भैया छोड़ दो, मेरे से नहीं होना है। इफ़ यू वांट टू प्लेस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन एंड सच लाइक अ बिग कंपनी, देन यू हैव टू नो द हाउ डेटा स्ट्रक्चर वर्क। कैन आई राइट द कोड ऑन डेटा स्ट्रक्चर? कैन आई मैनिपुलेट द कोड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आई होप यू विल गेट इट माई पॉइंट कि सर आप प्लेलिस्ट की तरह मत देखिए मेरे वीडियोज़ को, जस्ट रैंडमली मैं सेपरेट इसलिए कर दे रहा हूँ, ये सारे वीडियोस मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डाल सकता था, बट नहीं, मैं सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ। कल आप भी रिवाइज़ कीजिएगा ना इस चैनल से, आप ऐसे रिवीजन का ऐसे नोटबुक मान लीजिए इसे, कल रिवाइज़ कीजिएगा ना, देन यू विल फील वाओ, एक सही से जगह पे सारी चीज़ सही मैनर में रखी हुई है। ठीक है, एक इंटीजर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसके अंदर एक्स, इसका नाम है एक्स, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, 20, जस्ट लाइक दैट। एक वेरिएबल है, एक डब्बा मिल गया हम लोग को जिसका नाम है x, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, 20। मैं एक चीज़, सॉरी फॉर डैट इंटरप्शन, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं लिंक में एक वीडियो का लिंक दूंगा, अब प्लीज़ उसे देखिएगा, क्योंकि वो मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैंने C++ से बनाई है। अब मैं ये तो आपको कह नहीं सकता कि तुम C++ का पूरा वीडियो लेक्चर देखो, तुम लोग गाली देना स्टार्ट कर दोगे मुझे, बट नहीं, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो लिटरली काफ़ी अच्छी है, यू विल फील अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू मेमोरी स्टोरेज, अब पक्का पक्का उसे देखना। अब देखो मैं सारे वीडियोस में ना ऐसे लिंक देते जाऊंगा, अगर मैंने CP पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिंक दूंगा कि अगर जहाँ पॉइंटर की बात है आप पॉइंटर जाके देख लो, तो यू विल फील वेरी गुड, यस अब मुझे चीज़ें क्लियर हो रही है। अब मैं मुझे CP पे क्वेश्चन बनाना है,
अब वो क्वेश्चन पता है, उस क्वेश्चन का मैं लिंक दूंगा दो लेक्चर्स है जो कि एल्गोरिथम के दोनों लेक्चर्स है। मैं वो जो एल्गोरिथम को दोनों लेक्चर बनाया है ना, एल्गोरिथम के प्लेलिस्ट पे दो दो लेक्चर अभी तक, ठीक है। एंड उन दोनों लेक्चर का ना लिंक उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन मैं सीपी में डालूंगा, तब मैं लिंक दूंगा कि आप वो दो एल्गोरिथम को देख लो, तो ऐसा ऐसा करके आप भी कवर कर लोगे, ठीक है। वो लिंक पक्का देखना यार, मतलब डोंट फॉर पब्लिसिटी ऑफ माई उस डैट वीडियो, बट वो लिंक काफ़ी अच्छी है, मतलब उसे देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। नाउ व्हाट, अब 20 है। अब इस हर वैल्यू का, हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, सपोज ये एड्रेस है इसका, एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स। नाउ अब पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल तरह का वेरिएबल है, एक्स तो एक नॉर्मल वेरिएबल है जो क्या डिनोट कर रहा है कि वो इंटीजर तरह की वैल्यूज़ को अपने अंदर रखेगा, बट पॉइंटर्स एक ऐसे स्पेशल तरह का वेरिएबल होता है जो कि ये डिनोट करता है कि उसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। जस्ट लाइक व्हाट, अब हम लोग पॉइंटर को डिफाइन कैसे करते हैं, इंट स्टार पीटीआर, ठीक है। पीटीआर एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर एड्रेस रहेगा। अब देखो, अब यहाँ कन्वेंशन में दिक्कत होती है लोगों को। अब बहुत लोग सोचते हैं कि इंट के बाद स्टार लगाना है, कि वेरिएबल नेम के पहले स्टार लगाना है, कि स्पेस कहीं देना ही नहीं है। आई विल सॉर्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द कोड, मैं कोड पे आऊँगा तो बता दूंगा सारी चीज़ें। नाउ व्हाट, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अब देखो, इंट स्टार पीटीआर लिखा हुआ है, अब इंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर इंटीजर तरह का वैल्यू जाएगा, एम आई राइट? यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है तुम लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ। यहाँ पे इंट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इंट का मतलब ये है ना कि पीटीआर जो पॉइंटर वेरिएबल है वो उस तरह के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, जैसे कि वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, तो वो जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे इंट का मतलब ये है। देखो दो अलग अलग बातें, सॉरी फिर से समझाता हूँ। इंट स्टार पीटीआर, अब इंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस जाएगा वो इंटीजर तरह का जाएगा, नहीं ये एकदम मतलब नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ ये एकदम मतलब नहीं है। यहाँ पे जो इंट स्टार पीटीआर है, इंट का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल उस वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जो कि इंटीग्रल होगा। और रिफाइंड करूँ तो जो इंटीग्रल डेटा टाइप होगा, जो इंटीग्रल टाइप का वेरिएबल होगा, उसी तरह के वेरिएबल का एड्रेस हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर डेटा स्टोर कर रहा है, उसका एड्रेस हम लोग इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना, क्योंकि हमने इंट स्टार पीटीआर लिखा है, इट मीन्स कि इंटीग्रल तरह के डेटा का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। यार ये इंटरव्यू में सबसे कॉमनली आस्क क्वेश्चन है जिसमें सब लोग फंस जाते हैं। एंड पीटीआर तो समझ में आ रहा है, इस तरह का एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस रखता है, ठीक है। नाउ व्हाट, यहाँ तक तो डिफाइन क्लियर। अब इसके अंदर एड्रेस रखेंगे कैसे, तो पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको एम्प्रेसेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्प्रेसेंट ऑपरेटर एक्स रख देंगे। तो इससे क्या होगा, पीटीआर के अंदर देखो जो एड्रेस है वो एज इट इज इसके अंदर एड्रेस आ गया। अब देखो, मान लो तुम लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे नाम बताया अपना कि सर मेरा नाम रोशन है या मेरा नाम रोहन है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा? नहीं, वी नीड टू स्टोर द एड्रेस, मुझे एड्रेस भी पता होना चाहिए तब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। दैट्स द वर्क ऑफ पॉइंटर। अब देखो, C++ मैंने पहले कहा था ना कि C++ में कंपिटेटिव कोडिंग क्यों करते हैं, बिकॉज C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें काफ़ी हार्डवेयर से इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है। पाइथन जावा ये समय पॉइंटर कंसेप्ट नहीं है, बट C++ पॉइंटर कंसेप्ट है, ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग जो मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं वो उसका एड्रेस क्या है, उस मेमोरी का किस एड्रेस के मेमोरी पे हम लोगों ने कौन सा डेटा रखा है। अब मेमोरी वाला काम तो हार्डवेयर पे होता है ना, मतलब रैम वैम में जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक चीज और आता है, बहुत जगह लिखा हुआ इंट स्टार पीटीआर बराबर एड्रेस ऑफ एक्स। सर आपने तो पीटीआर बराबर एड्रेस ऑफ एक्स लिखा था, यहाँ पे आपने स्टार पीटीआर कर दिया, फिर भी सही है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो ये क्या, डिस्कस कर लूंगा, बताता हूँ फिर से आगे कोड में, ठीक है। इंट पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है, मानते हो ये चीज? नहीं है भैया, पीटीआर लिख देने से पॉइंटर वेरिएबल नहीं होता है, उसके आगे स्टार लगाना भी जरूरी है, तो दिस इज नॉट ए पॉइंटर वेरिएबल, दिस इज पॉइंटर नॉट वेरिएबल, कुछ गलती हो गया, दिस इज नॉट ए पॉइंटर वेरिएबल होगा, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इंट स्टार पीटीआर कौन सी वैल्यू देगा, 20।
अब पता है, अब कोड करते हैं, कोड में चीज़ें ज़्यादा हद तक समझ में आती है। जैसे कि मैंने एक इंट रखा, इंट एक्स बराबर 20। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, अभी बोलता रहा हूँ क्योंकि किसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताना है। ये पॉइंटर का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया तो पूरी पॉइंटर के लिए कि पॉइंटर होता क्या है। नाउ इंट एक्स बराबर 20, ठीक है, तो इंट स्टार पी टी आर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पी टी आर बराबर एड्रेस ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, उसके अंदर एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम लोग सी आउट करें, अगर पी टी आर, अगर पी टी आर सी पी टी आर अगर सी आउट करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, एड्रेस। और सी आउट करें स्टार ऑफ पी टी आर तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को मिलेगा जो उस एड्रेस के जगह पे रखा हुआ होगा। तो एड्रेस तो इसका ये हुआ, ये याद रखिए, ये एड्रेस हर सिस्टम के लिए अलग लगाएगा। बिकॉज मान लो मेरा 2 GB का रैम है कंप्यूटर पे, तो वो 2 GB के अनुकूल अपने मेमोरीज को एड्रेस देता होगा। मान लो आपके कंप्यूटर में 6 GB का रैम है तो वो आपके अनुकूल उसको एड्रेस देता होगा। तो ये एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे कि आपका एड्रेस, मान लो पर्सन ए है, उसका एड्रेस है नवी मुंबई, मुंबई, ठीक है। अब मुझे उसका एड्रेस ये भी मैं बता सकता हूँ, आपने आपको आपका उसका एड्रेस पता है नवी मुंबई, मुंबई, मुझे उसका एड्रेस पता हो सकता है पुरानी वाली पेड़ के पीछे वाली मुंबई, मुंबई। तो एड्रेस दोनों वही होगा, बट मैंने और रिफाइंड वे में बताया या एड्रेस कुछ और बताया, डजंट मीन उसका घर चेंज हो जाएगा। तो एड्रेस अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और स्टार पी टी आर क्या बताया, उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है, क्या रखी हुई थी, 20, तो 20 हमें मिल गया। अब पहला डाउट यहाँ पे, अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ तक क्लियर। अब बहुत लोग, अब इसे भी कमेंट कर देता हूँ, सॉरी गलत इसको कमेंट कर दिया, स्टार पी टी आर, अच्छा ठीक है, इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इंट स्टार पी टी आर, ये तो हुआ मैंने डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेरेशन के साथ साथ मैंने स्टोर कर दिया उसका एड्रेस, तब जाके स्टार पी टी आर लिख सकते हैं। साथ साथ डिक्लेरेशन के समय अगर आपको ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और डिक्लेयर करते समय आपको एड्रेस स्टोर कराना है, तो एम्परसेंड ऑपरेटर एक्स लगा दीजिए, अब भी देखो सेम रिजल्ट आएगा, यस देर इज सेम, यहाँ तक क्लियर। नाउ व्हाट, अब हम लोग काम करते हैं, अब एक दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, पहले कंसेप्ट और समझते हैं। अब मान लो एक वेरिएबल है कैर वाई बराबर एक्स, या फिर चलो सी मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं पॉइंटर बनाऊँ, इंट स्टार पॉइंटर, ठीक है, और उसमें रख दूँ एड्रेस ऑफ व्हाट, वाई, तो क्या ये सही है, आप खुद बताओ। गलत है, बिकॉज यहाँ इंटीग्रल तरह का पॉइंटर नहीं है ये जो पॉइंटर है वो इंटीग्रल वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए कैपेबल है, ना कि कैरेक्टर वाले वेरिएबल को स्टोर करने के कैपेबल है। तो देखो एरर आ गया, अगर मैं यही कैर कर दूं, डेट्स राइट, यस सही है, अब तो अनयूज आ रहा, मतलब ये बता रहा है कि आपने इस पॉइंटर को कहीं दूसरे का यूज़ किया नहीं। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अब एक चीज़ और बताता हूँ, दूसरी चीज़ मुझे क्या बताना है, एक चीज़ मुझे और बताना है, अब मैं सबको कमेंट कर देता हूँ सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, ठीक है, एवरीथिंग इज कमेंटेड। नाउ व्हाट सर, अल्टीमेटली ये कोई ना कोई नंबर होगा, एड्रेस तो नंबर में स्टोर कर रहे हैं हम लोग हर कुछ, क्योंकि कंप्यूटर 01 जानता है, आई एक्सेप्ट इट। अब 01 जानता है तो कोई ना कोई नंबर तो होगा ही, आई एक्सेप्ट इट। तो एक काम करते हैं हम लोग एक इंट मानते हैं और नंबर लिख देते हैं एन नम, और इस नंबर में स्टोर करा देते हैं एड्रेस ऑफ एक्स, तो क्या दिक्कत है भैया। बट नहीं, सी प्लस प्लस में हमारे पास रूल है। रूल क्या है, अगर आपको एड्रेस स्टोर करना है तो आप स्पेशल तरह का पॉइंटर, स्पेशल तरह का वेरिएबल प्रोवाइडेड है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग इसको कहते हैं पॉइंटर, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा चीज़ हमें क्या सीखना है, एक चीज़ और है, इंट स्टार स्टार पी टी आर वन, सर यहाँ तो एक स्टार संभाल नहीं रहा था, दो दो स्टार लेते हैं, अब इसे कैसे करेंगे। अब स्टार स्टार पी टी आर का मतलब आप पहले ध्यान से समझिए, पहला स्टार को अलग रखिए और स्टार पी टी आर वन को अलग रखिए। देखिए देयर इज अ वेरिएबल पी टी आर वन, एक वेरिएबल है पी टी आर वन, ठीक है, जो स्टोर करेगा एड्रेस,
क्योंकि स्टार लगा है। सबसे पहला स्टार जो होता है किसी भी वेरिएबल का, देखो अगर मैं इसे काम करूँ ना, अगर मैं बोलूँ ना कि बस इतना इसको मान लो वाई डब्लू, तो स्टार डब्लू कहेंगे हम लोग। अब स्टार डब्लू मतलब क्या कि डब्लू एक ऐसा पॉइंटर है जो कि वेरी पॉइंटर जो कि डब्ल्यू एक ऐसा वेरिएबल है जो कि पॉइंटर तरह का है जो एड्रेस स्टोर करेगा। पहला स्टार तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एड्रेस स्टोर करेगा, और दूसरा स्टार PTR1 ये रिप्रेजेंट बता रहा है कि वो एक पॉइंटर तरह के वेरिएबल का स्टोर करने वाला है डेटा। यहाँ तक क्लियर? बताता हूँ क्या है, तीन वेरिएबल है एक्स PTR और PTR1। एक्स हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल है। अब देखो जो तीन वेरिएबल है, दुनिया में कुछ भी बॉक्स हो, कुछ भी मेमोरी एलोकेशन हो, उसका एड्रेस होता है हमारे पास, उसका हर चीज़ का एड्रेस हमारे पास। अब उस एक्स में हमारे पास क्या स्टोर है, 20। अब हम चाहते हैं वो एड्रेस एक्स वाला स्टोर हो, तो वो कौन स्टोर करेगा, पॉइंटर वेरिएबल। चलो PTR बराबर एड्रेस ऑफ एक्स लिख दिए, तो पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर लिया। अब इस पॉइंटर तरह का वेरिएबल का एड्रेस कौन स्टोर करेगा, तो स्टार स्टार PTR1, डैट्स इट। PTR1 बराबर एड्रेस ऑफ PTR। अब सर PTR में एड्रेस स्टोर क्यों कर कौन करेगा, तो यही काम थोड़ी ना बच गया कि एड्रेस स्टोर कराते फिरेंगे। ये जो कंसेप्ट है जो पूछते तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, डैट्स इट। अब देखो अब बताता हूँ यहाँ पे, अब मैं करता हूँ इंट स्टार स्टार जेड। अब देखो एक चीज़ और है, दिक्कत दूर करता हूँ तुम लोगों का। दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ये है कि पहले एक चीज़ देखो, इंट स्टार PTR, यहाँ तक क्लियर? चलो ये चीज़ तो सर सहमत है, ये चीज़ सही है, ठीक है। दूसरा चीज, इंट स्टार PTR, स्टार मैंने पहले दे दिया है इस बार, अब भी सही है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमको स्पेस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो चलो इंट स्टार PTR, अब ठीक, अब भी सही है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन मत रखा करो मन में कि स्टार पहले आएगा, क्योंकि मुझे ये सब डाउट्स होते थे, तो इस समय ये डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ कि स्टार कब आएगा। तो बी फ्री, जहाँ लिखो चलेगा, अब ऐसा मत कर देना। अब देखो बताता हूँ, इंट स्टार स्टार जेड, जनरल कन्वेंशन की फॉलो करते हैं, या चलो PTR1, ठीक है। अब ये PTR1 किसका वैल्यू स्टोर करेगा, एक अनदर तरह का वेरिएबल को स्टोर करेगा, इंट स्टार PTR, जिसमें हम लोग एम्परसेंट ऑपरेटर ऑफ एक्स रख दिए, ठीक है, और PTR1 के जगह हम लोग रख दिए एड्रेस ऑफ PTR, डेट सेट। सर अगर हम लोग PTR1 के हम लोग पॉइंटर का तरह का वेरिएबल का स्टोर कर सकते हैं, अगर हम लोग ये करेंगे तो क्या होगा, PTR1 अल्टीमेटली एड्रेस स्टोर कर रहा है, एड्रेस किसी का भी स्टोर करा दो, एक्स का एड्रेस स्टोर करा देते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स, देखते हैं एरर आएगा कि नहीं। एरर है, बिकॉज PTR1 बना ही एड्रेस स्टोर कराने के लिए है, यहाँ तक क्लियर? बट किसके एड्रेस स्टोर कराने के लिए बना है, वो बना है पॉइंटर तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए, क्या? तो ये यहाँ पे एरर, और ये चीज़ सही। अब सी आउट करते हैं हम लोग, सी आउट करेंगे अगर PTR1, तो पता चलेगा ये किसका एड्रेस देगा, ये एड्रेस देगा, लिख देता हूँ सर, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, एड्रेस ऑफ PTR, ठीक है। अब मैं सी आउट करूँ स्टार स्टार PTR1, PTR1 तो क्या मिलेगा बताओ, PTR1 में जो एड्रेस स्टोर है वो मिलेगा, या फिर हमें 20 मिलेगा, देखते हैं, कॉमन सेंस पहले लगाओ क्या मिलेगा, आंसर आपको आ जाएगा 20 मिलेगा। अगर मैं इसे यहाँ स्टार रखूँ ना, तब देखते हैं क्या मिलता है, तब मिलेगा एड्रेस। दो स्टार लगाने से जो एड्रेस के अंदर, देखो पहला स्टार लगाने से क्या हुआ, हमें एड्रेस मिल गया जो PTR1 के अंदर रखा हुआ है। अब एक स्टार और लगा दिए तो उस एड्रेस पे भी जो एड्रेस रखा हुआ है, मतलब उस एड्रेस पे भी जो वैल्यू रखा हुआ है वो मिल जाएगा। इस स्टार PTR1 मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है वो, तो ये वैल्यू रखा हुआ है एड्रेस। अब इस स्टार स्टार PTR1 मतलब क्या हुआ, उस एड्रेस के अंदर भी जो वैल्यू रखा है वो, तो वो क्या रखा हुआ है, वो रखा हुआ है हमारे पास 20, ठीक है, डेट्स इट। अब एक आखिरी कंसेप्ट, आई नो वीडियो लंबा जा रहा है, बट पता है मेरी बात बातों सुनोगे आपको वह भी मज़ा आएगा सीखने में, ऐसा भी नहीं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और आपको हैक्टिक लगता है, बताइएगा अगर वीडियो हैक्टिक लगता है तो मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करूंगा चीज़ों को। अब आते हैं एक चीज़ पे, लेट सपोज एन एरे,
इंट ए, अब इस एरे का एड्रेस स्टोर करो। सबसे बड़ा दिक्कत, अब ये देख के बहुत अटपटा लगता है, मुझे तो बहुत अटपटा लगा था कि इंट पी टी आर बराबर ए, बस एड्रेस स्टोर हो गया भैया और कुछ नहीं। सॉरी, यहाँ पे स्टार आएगा बिकॉज हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। डेट्स इट, अभी गड़बड़ पर बाद में भी रहेगी, ठीक है। एंड इंट स्टार पी टी आर बराबर एड्रेस ऑफ ए जीरो, स्टार स्टार समझ लेना, यहाँ पे स्टार आएगा। मैं अपलोड करूँगा, मैं सही कर दूँगा इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं इसे फिर से कमेंट करता हूँ, ठीक है। कमेंटेड चीज़ याद रखिए, अब ये सब चीज़ देखिए आपको याद आएगा। पता है ये सब लेक्चर ऐसा होता है ना, एक दो बार देखिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। इंट ए 2,3,5,7, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं इंट स्टार पी टी आर, जो कि एड्रेस स्टोर करे। तो पी टी आर बराबर, पी टी आर बराबर वॉट ए, हम यहीं पे गलती करते हैं, हम भी हद है, ठीक है। पी टी आर बराबर ए, सर आपने एड्रेस ऑफ ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एरे में हम लोग ये गंदा काम नहीं करते, हम लोग में सिर्फ ये लिखते हैं। इट मीन्स कि अगर ये चीज रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा चीज रॉन्ग है भैया? पी टी आर बराबर एड्रेस ऑफ ए, ये रॉन्ग है। दूसरा तरीका, पी टी आर अगर मैं ऐसा कमेंट कर दूं एक मल के लिए, तो पी टी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ ए ऑफ, ए ऑफ जीरो, ये भी एक सही है। अगर एड्रेस लगाने का आपको इतना ही मन है तो भैया आप पहला इंडेक्स का एड्रेस लगाइए, वरना आप सिर्फ ए लगा दीजिए। अब दोनों की वैल्यू पता है सेम होगी। अगर नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंट स्टार पी टी आर वन, ठीक है, और मैं इसे वन कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये ऑटोमेटिक स्टोर एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ये याद रखो, ये ऑटोमेटिक, और यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब चलो सी आउट करके देखा ही देते हैं, सी आउट पी टी आर एंडल एंडल सी आउट स्टार पी टी आर, कुछ गलती किया क्या मैंने? नहीं, स्टार क्यों लगाना है, पी मैं तो एड्रेस बता रहा हूँ कि एड्रेस दोनों का सेम आएगा, एंडल, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं, यस देखो एड्रेस सेम है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक क्या किया ना, ये ऑटोमेटिक स्टोर कर दिया, ठीक है, पहला इंडेक्स का, और यहाँ हमने लिखा है। अब यार ये गलती ज़िंदगी मत करना एरे के साथ, मतलब ये बहुत ही घटिया काम है, यहाँ पे बहुत ही घटिया काम है, ठीक है, एरर आ गया, देख लो, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा पॉइंटर क्या है। आगे आप लोग पॉइंटर से डरिएगा नहीं, एंड मत डरिएगा क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में आप लोगों का काफ़ी वेलकम है, इसे सीरीज़ की तरह बिल्कुल मत लीजिए। आप इसे इस कदर लीजिए कि मुझे सीखना है, मुझे कोड लिखना आना चाहिए। आज मैंने जितने भी कोड्स लिखा है, आपके दिमाग में अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं, अब सारे कोड्स को कंप्यूटर मत बंद कीजिए, वीडियोस बंद कीजिए, लैपटॉप खोलिए, कंप्यूटर खोलिए, अपना अपना कंपाइलर ओपन कीजिए और सारी चीज़ों को फिर से लिखिए। क्या क्या लिखना है? पॉइंटर वेरिएबल असाइन कीजिए, एड्रेस असाइन कीजिए, खुद से लॉजिकल वे में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कीजिए कि आपका कोड, आपका चीज़ सही आ रहा है या नहीं। फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, डैट्स इट। आप इसे प्लीज़ मुझे ये कोई मत बोलना कि सर आप कितने प्लेलिस्ट बनाओगे, पहले सी पी का तो कंप्लीट कर लो। तो भैया सी पी एक ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, ये सी प्लस प्लस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये लॉजिकल बिल्डिंग का प्रोसेस है। और लॉजिकल बिल्डिंग इट मीन्स कि हमें और आपको हर समय कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, मुझे और आपको हर समय कार्यरत रहना पड़ेगा, अपने अपने काम्स, अपने अपने कोड्स को हर समय लिखते रहना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डैट्स इट। थैंक यू गाइस वीडियो सुनने के लिए, प्लीज़ यार शेयर कर दो प्लीज़। मतलब मुझे लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। यार प्लीज़, अगर आप लोगों को शेयर करने से अगर मेरा भला हो जाता है या इस चैनल का भला हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना यार। आप लोग हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करते होगे, एवरीवन यूजेस सोशल मीडिया, एवरीवन, फेसबुक, ट्विटर, मतलब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर कर दो एक बार आप अपने अपने फ्रेंड्स पीयर ग्रुप में, इट में लोगों का भी भला हो जाए, अगर ये चीज़ सच में अच्छी होगी तब। बस यही कहूँगा, अब ये तो बोलने मात्र के लिए रह गया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो तो कोई हो नहीं। चलो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।